गृहमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी जात असलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी केले रिझर्व माता मंदिर येथून स्थानबद्ध. उन्हाळ्यात अकोल्यातील भीषण पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने पाणीटंचाईची समस्या बघता वारी प्रकल्पावरून अकोलेकरांना पिण्याचे पाणी आरक्षित करण्यात आले होते, मात्र त्यावर स्थगिती आणल्या गेली आहे. त्यामुळे अकोलेकरांची पाणी समस्या मिटवण्यासाठी वारी प्रकल्प योजनेवरील स्थगिती तात्काळ उठवावी किंवा जिगाव प्रकल्पवरील पाणी अकोलेकरांसाठी आरक्षित करावे अशा मागणीचे निवेदन गृहमंत्री अमित शाह यांना देण्यासाठी आज दिनांक 5 मार्च 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता दरम्यान शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे अकोल्यातील रिझर्व माता मंदिराजवळून जात असताना त्यांना पोलिसांनी अडवून निवेदन देऊ दिले नाही तर आम्हाला पोलिसांनी स्थानबद्ध केल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे शहर प्रमुख राजेश मिश्रा यांनी केला आहे. क्योंकि अकोला शहर वासियों को जो रोज पानी मिलना चाहिए वो पानी न मिलते हुए आज भी हफ्ते में 2 दिन पानी मिलता है. क्योंकि 2019 के अंदर जिस समय पे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे उन्होंने पानी का आरक्षण अकोला शहर वासियों को लिया था वारी से, लेकिन अकोट के आमदार उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने 2-3 महीने के अंदर ही उस पर इश्चे दे दिया. आज इसको करीब करीब 5 साल होते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण हमारी आज मांगनी थी कि हमको अमित शाह जी से या देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात करना है कि हमको निवेदन देना है कि भाई जो आरक्षण है एक तो जो मवारी का जो आरक्षण है जिसपे इश्ते है वो इश्ते हटाइए या जिगाव प्रकल्प जो है वहाँ का आरक्षण आरक्षित कीजिए. ये हमारा मुख्य मुद्दा था, ये हमको निवेदन देना था लेकिन डिपार्टमेंट ने हमको जो उस चीज़ के लिए हमको मान्य नहीं किया. मुझे और हमारे साथ में जो हमारे पदाधिकारी थे उनको यहाँ से रिझर्व माता मंदिर से उन्होंने डिटेन किया और मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि मेरा मुद्दा जो है उनके तक जाना चाहिए क्योंकि अकोला शहरवासियों का विषय है. उसके बाद में पीआईएस सिड़के साहब और एसपी साहब अपने बच्चन साहब जी उन्होंने मध्यस्थी करके पालक मंत्री जी जो है यहाँ के उनके जो ओएसडी माने साहब उनसे मेरी बात कराए और ओएसडी साहब ने बोला कि ये कार्यक्रम होने बाद में 10 मिनट में आपसे पालक मंत्री आपसे मुलाकात कराऊंगा और जो ये विषय आपका मुद्दा है आप वो पालक मंत्री महोदय के पास में रखिए. इसलिए फिर आज हमने वो चीज़ को मान्य किया. अभी हमको यहाँ से माता के मंदिर से पीआईएस लेकर साहब इन्होंने हमको डिटेन करके एलसी ऑफिस लाया हुआ है.